हेलो एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ प्रियंका और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंट्रस्ट इंस्पायर्ड दो साड़ी ट्रैप और ये दोनों ही साड़ी मैंने स्क्रैच फैब्रिक से डिज़ाइन की है एंड ऑल्सो गेज आई एम अनाउंसिंग माई सेकंड गिव अवे सो रूल्स बहुत ही सिंपल है आपको मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियोज़ को देखना है लाइक एंड कॉमेंट करना है दो लकी विनर को यहाँ पर मिलेगा अमेजन गिफ्ट वाउचर ऑफ वर्थ रुपीज फाइव हंड्रेड एंड दो और लकी विनर को मैं क्या देने वाली हूँ मैं इंस्टाग्राम पर जल्दी ही आपको बताऊंगी तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा साइड में मेरा हैंडल आपको दिख रहा होगा एंड ऑल्सो लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और सारे रूल्स भी वहाँ मिल जाएंगे सो विदाउट एनी फर्दर वीडियो लेट्स चैम्पिन दीडियो सोच so, जो साड़ी मैं यूज़ करने वाली हूँ ये आपने पहले भी देखी हो अगर मेरे वीडियो देखते हैं आप तो मैंने सोनम कपूर का एक लुक रिक्रिएट किया था तब यूज़ की थी ये सेटन सिल्क काइंड ऑफ साड़ी है लेकिन बहुत ही शाइनी है बहुत प्यारी लगती है मुझे अभी रियांश के बड़े पे भी मैंने यही पहनी थी काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर पिक्चर देखे मुझे कहा था कि मैं इसका ड्रापिंग ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँ एंड ये जो टॉप मैंने यहाँ पर विवाह किया है मैंने मीशो से परचेज़ किया है ये ऑफ शोल्डर टॉप है इसे आप ऑन शोल्डर भी रख सकते हैं बस इसकी एक चीज मुझे जो पसंद नहीं आती वो बैक साइड में भी बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है अदरवाइज़ ये टॉप बहुत ही प्यारा लगता है एंड इस साड़ी के साथ बहुत अच्छे से मैच होता है तो मैं इसी के ऊपर इसे ड्रैप करने वाली हूं नौ no गाइस मैं इसे पैंट्स पे पहन रही हो आप इसे पेटीकोट पे भी पहन सकते हैं कोई इशू नहीं एंड ये थोड़ी सी मुझे वृत में कम है साड़ी तो मैं इसे फ्लैट्स पे पहन रही हूँ हील्स में नहीं पहन रही हूँ तो ये जो साड़ी है मैंने जस्ट थ्री हंड्रेड रुपीज़ में परचेस की थी आपको विश्वास नहीं होगा दो साल पहले मैंने थ्री हंड्रेड रुपीज़ में होलसेल मार्केट से परचेस की थी एंड इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है और अब इसे हम राइट साइड से इस तरह से अपना बेसिक टक करना स्टार्ट करेंगे फ्लोर से टच करते हुए हम वन राउंड पूरा अपना एक टक कर लेंगे जैसे हमेशा बेसिक ओ, सारी ड्रैप में हम करते हैं अब राइट हैंड साइड पे आने के बाद हम टकिंग बंद करके एंड अपने पल्लू वाले पार्ट पर जाएंगे पल्लू में हमें क्या देखना है आप देख रहे होंगे साइड में आपको पिंट्रस्ट पिक भी मैं यहाँ पर लगा दूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का ड्रैप मैं बनाने वाली हूँ अब यहाँ पर पल्लू का जो नीचे वाला एंड है ना उसको हमें लंबा रखना है और ऊपर वाले एंड को थोड़ा छोटा रखना है तो इस तरह से हम तिरछा अपने पल्लू को सेट करेंगे आप पल्लू को इस तरह से आप रिंकल्स देते हुए और अपने राइट हैंड में इस तरीके से होल्ड कर लेंगे और लेफ्ट हैंड से वहाँ पर आप इसमें अच्छे से रिंकल्स बना लेंगे अब यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक रबर बैंड की रबर बैंड की हेल्प से आपको यहाँ पर इसे टाई कर लेना है जिस तरह से वीडियो में मैं दिखा रही हूँ आप इसे अच्छे से टाइटली टाई कर ले रबर बैंड आपका लूज़ नहीं रहना चाहिए और उसके बाद आप देखेंगे पल्लू इस तरह से आपका तिरछा और रेडी हो जाएगा अब आप इसे शोल्डर पर सेट करके देखेंगे अपने लेफ़्ट शोल्डर पर आपको जो छोटी बॉर्डर हमने रखी थी ना ऊपर वाली उसे शोल्डर पे आपको रखना है और पल्लू की लेंथ मेजर करना है तो यहाँ पर पल्लू मेरा थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो मैं रबर बैंड को और थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लूंगी अब इस तरह से देखिए हमारा पल्लू सेट हो गया है तो अब जहाँ पर हमने रबर बैंड टाई किया है ना वहाँ पर हमें एक सेफ्टी पिन लेना है और सेफ्टी पिन को जस्ट रबर बैंड में यहाँ पर हमें डालना है हमें साड़ी में छेद नहीं करने हैं अननेसेसरी साड़ी को ख़राब नहीं करना है तो यहाँ पर पिन में मैं इस तरह से एक फॉर्म शीट लगा ली या पॉल लगा लीजिए या पेपर लगा लीजिए और ये रबर बैंड में ही जस्ट मैंने पिन को इस तरह से अटैच किया है और उसके बाद अंदर की तरफ आप ब्लाउज में या फिर अपने इनर जो पहने हैं उसके साथ इस सेफ्टी पिन को इस तरह से सिक्योर कर लीजिए अच्छा जी यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद अब आपको क्या करना है कि जो पल्लू की हमने अपर बॉर्डर छोटी रखी थी ना शॉर्ट लेंथ में उसी को आपको लेफ्ट शोल्डर पे इस तरह से प्लेस करना है और उसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि नेट के ब्लाउज में आप किस तरह से सेफ्टी पिन को सिक्योर करते हैं तो सेफ्टी पिन के नीचे यानी ब्लाउज के नीचे आप अपने टॉप के नीचे बैंडेड अटैच कर सकते हैं या फिर एक मेडिकल टेप आती है जिसे माइक्रोपोर बोलते हैं वो भी बहुत ईजी होती है क्लॉथ टाइप की होती है तो उसे आप अपना छोटा सा स्टिकर जैसा कट करके ब्लाउज में स्टिक कर लें और उसके बाद उस जगह पर सेफ्टी पिन लगा लें तो वो व्हाइट कलर में होती है तो वो दिखेगी भी नहीं

सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है अगेन आपको ध्यान रखना है अपने सेफ्टी पिन में पॉल लगा लें, ताकि आपकी साड़ी डैमेज ना हो पूरे साड़ी ड्रप में मैंने यहाँ पर दो ही सेफ्टी पिन यूज किए एक पल्लू पे और एक साड़ी की स्कर्ट प्लीट्स में बाकी हमने आपको बताया था कि हमने रबर बैंड पे सेफ्टी पिन लगाई है जो ब्लाउज में अंदर हमने अटैच किया है उसे तो इस तरह से आप साड़ी को भी अपना सेफ रख सकते हैं एंड इजीली ये स्टाइलिश साड़ी ड्राप क्रिएट कर सकते हैं अब इस तरह से देखिए लगा लेने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आपकी कोई प्लीट सेफ्टी पिन में छूट तो नहीं गई है क्योंकि छूट जाएगी तो पूरा साड़ी ड्राप आपका ख़राब हो जाएगा अब यहाँ पर अच्छे से चेक करते हुए आप झटक लीजिए प्लीज सारे अच्छे से अरेंज हो जाएंगे ये फैब्रिक वैसे भी बहुत ज़्यादा मैनेजेबल होता है एंड फ्लोई होता है तो बहुत अच्छा लुक आता है में, अब साइड में, आप राइट साइड में इस तरह से साड़ी को अच्छे से सिक्योर कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे फ्लफी लग रहा था टमी वाले पार्ट में तो मैंने यहाँ पर वेस्ट बैंड का यूज़ किया वेस्ट बैंड इज रियली इस सर्वाइवर आप जब भी भी आपको ड्रैप ऐसा लगे कि यार परफेक्ट फिगर नहीं दिख रहा है अच्छे से फिटिंग नहीं आ रही है तो आप वेस्ट बैंड यूज करिए एंड रियली यू विल नॉट रिग्रेट एंड फॉर द सेकेंड सारी ड्रेप मैं यहाँ पर ऑर्गेंजा और फैब्रिक यूज कर रही हूँ ये मुझे सिक्सटी रुपीज़ मीटर में होल सेल मार्केट में ऑर्गेंज़ा फैब्रिक मिला व्हाइट कलर में मैंने लिया था किसी ड्रेस को स्टिच करने के लिए बट आपने देखा होगा अभी मैंने रियांश के बर्थडे पर डेकोरेशन किया था तो कैनोपी भी इससे बना ली अभी मैं साड़ी इससे बना रही हूँ देन अगेन इससे मैं ड्रेस बनाने वाली हूँ इससे मैं ब्लाउज एंड टॉप बहुत सारे बनाने वाली हूँ उसके लिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर आई हूँ तो ये मैंने छह मीटर कपड़ा खरीदा है सिक्सटी रुपीज़ मीटर में मुझे मिला है तो बहुत ही अफोर्डेबल मिल गया हालाँकि ऑर्गेंजा की क्वालिटी एकदम रियल ऑर्गेंजा जैसी नहीं है थोड़ा सा स्टिफ है बट पूरा शाइन एंड ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ऑर्गेंजा जैसी है तो चलिए देखिए इस तरह से मैंने वन राउंड टक कर लिया है एंड अब हम पल्लू के प्लीट्स को इस तरीके से जस्ट गैदर करना है आपको प्लीट्स नहीं बनाना है वैसे भी ऑर्गेंजा साड़ी में प्लीट्स बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है अगर वो सॉफ्ट ऑर्गेंजा नहीं है तो तो इस तरह से देखिए मैंने पल्लू को अपने अरेंज किया शोल्डर पर लेंथ मेजर करने के बाद मैं वहाँ पर एक नॉट बना लूंगी बाद में हम यहाँ पर डिजाइन जाइन बनाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा आपने देखा होगा इंट्रो में तो वो फ्लावर जो है वो एकदम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का ही लुक दे देगा आपकी साड़ी को पूरा ड्रेस लुक दे देगा एंड आप किसी भी पार्टी में इसे व्यय करेंगे ना तो बहुत ही ट्रेंडी एंड डिफरेंट लगेगा अब देखिए इस तरह से हम साड़ी की यहीं से फ्रंट से प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे इसमें भी इस ड्रैप में भी मैं बैक साइड से पल्लू को घुमा करके नहीं लाई हूँ जस्ट वन राउंड टक करके सामने से ही मैंने पल्लू को अपने लेफ्ट शोल्डर पर डाला है थोड़ा सा वाइट कलर होने की वजह से कैमरा कैच uh, नहीं करता अच्छे से फिर भी मैं आई कम करके कोशिश करूँगी आपको दिखाने की तो अब देखिए इस तरीके से हमने प्लीट्स को अरेंज कर लिया है हम... ना अगेन और गजा सारी में स्कर्ट पार्ट में प्लीट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अगर आप बिगनर हैं तो आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें आप ब्रॉड प्लीट्स बनाएं और इस ड्रैप में मैं ब्रॉड प्लीट्स ही बनाने वाली हूँ और ब्रॉड प्लीट्स आप बनाएंगे तो एकदम फूला हुआ सा लुक भी नहीं लगेगा तो यहाँ पर तीन चार प्लीट्स मैंने बनाएं इस तरह से टक कर लिए और ऊपर की प्लीट को मैंने खोला है और वहाँ पर मैं छोटे छोटे से तीन प्लीट्स बना रही हूँ ताकि वो फ्रंट में एक गाउन टाइप का लुक आपको दे तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे तीन प्लीट्स बना लिया उनको भी अपने राइट हैंड की तरफ मैंने शिफ्ट करते हुए टक किया है जस्ट सेंटर में आपको प्लीट्स को नहीं टक करना है इस तरह से देखिए आप राइट साइड में जा रही हैं प्लीट्स और इस तरीके का एक कर्व दिखेगा आपको प्लीट्स में अब हम पल्लू को अरेंज कर लेंगे सो so, पल्लू की नॉट को हमें ओपन कर लेना है और इस तरह से उसे डबल पकड़ लेना है और अब यहाँ पर आपको एक रबर बैंड यूज करना है रबर बैंड को आपको इस तरह से इसे साड़ी के पल्लू को डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर टाइप कर लेना है और उसके बाद आपको उसे इस तरह से फैलाना है जैसे कि एक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बन जाए आप इसे किस ऐसी रैंडमली फुलाते जाएंगे और उसे गोल कर लेंगे तो इस तरीके का एक फ्लावर आपका रेडी हो जाएगा बस अब इसे आपको यहाँ पर पल्लू को इस तरह से अपने लेफ्ट शोल्डर पर डालना है एंड सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है सो गैस आई होप ये दोनों सारी ड्रॉपिंग स्टाइल आपको पसंद आए होंगे अगर कोई और स्पेशल रिक्वेस्ट है आपकी तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे पिक्चर uh, सेंड कर सकते हैं उस ड्राप uh, की या फिर पर्टिकुलर स्टाइलिंग की या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सो so, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग